रामायण इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामायण डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी जी। रणबीर कपूर लॉर्ड श्रीराम का रोल निभा रहे हैं। सई पल्लवी जी माँ सीता का रूप निभा रही है। यश रावण प्ले कर रहे हैं और सनी देओल जी लॉर्ड हनुमान के किरदार में दिखाए जाएंगे। कुछ दिन पहले पपराजी की लीकेड फोटोज पे बहुत चर्चा हुआ था, जिसमें रणबीर कपूर और सई पल्लवी जी नजर आ रहे थे अपने कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स में एक बहुत बड़े खूबसूरत सेट पे। मार्च से नॉनस्टॉप शूटिंग जारी है फिल्म की। अब लेटेस्ट न्यूज रामायण को लेके ये आई है कि पहले हमें पता था रामायण एक ट्रिलोजी है जिसके 3 पार्ट्स होंगे, बट अब नितेश तिवारी ने डिसाइड किया रामायण सिर्फ 2 पार्ट में आएगी और शायद फ्यूचर में अगर तीसरा पार्ट हुआ भी वो एक लॉर्ड हनुमान स्पिन ऑफ हो सकता है। इस डिसीजन के हिसाब से रामायण की दोनों फिल्म्स एक साथ शूट करने का प्लान किया है नितेश तिवारी ने। टीम ने 350 दिन की शूटिंग डिसाइड की है दोनों पार्ट्स के लिए, जिसमें सोलो सीन्स और एक्सटेंडेड कास्ट सीन्स दोनों होंगे। रामायण पार्ट 2 की शूटिंग काफी हद तक खत्म हो जाएगी पार्ट 1 के आने से पहले। ये दोनों रामायण फिल्म एक साल के समय में आएंगी। दिसंबर 2025 तक रामायण के दोनों पार्ट्स की शूटिंग खत्म हो जाएगी। बैक टू बैक स्केड्यूल्स होंगे ताकि सब एक्टर्स की लुक कंसिस्टेंट रहे कैरेक्टर्स के हिसाब से। रामायण की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द ही आने वाली है, जिसमें विजुअल्स और म्यूजिक दोनों होंगे। कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि नितेश तिवारी जी ने स्पेशल सीक्वेंसेस शूट किए थे जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में दिखेंगे। रामायण के विजुअल्स बहुत मास्ट होने वाले हैं क्योंकि एक ऑस्कर विनिंग वर्ल्ड फेमस कंपनी टीएनिग वीएफएक्स हैंडल कर रहा है। टीएनिग ने अपने फैंटास्टिक वीएफएक्स की वजह से 7 ऑस्कर जीते हैं और म्यूजिक भी दमदार होगा जो दिया जाएगा बाय एआर रहमान और हंस जिमर। हंस जिमर अपने बैकग्राउंड स्कोर के लिए बहुत फेमस है। हॉलीवुड की कुछ बेस्ट फिल्मों में उनका स्कोर है। द लायन किंग, ग्लैडिएटर, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द डार्क नाइट ट्रिलोजी, इंसेप्शन, मैन ऑफ स्टील एंड इंटरस्टेलर, इन सब में हंस जिमर ने अपने शानदार फिल्म स्कोर से फिल्म को अलग ही लेवल पे ले गया। कुछ सीन्स में तो उसका बीजीएम ही काफी है गूसबम्प्स के लिए और इसलिए ही उसने 7 दफा ग्रैमी अवार्ड जीते और 2 ऑस्कर। ये तो साफ है कि टीम रामायण पूरी दुनिया के बेस्ट कलाकार एक साथ लेकर आ रही है, चाहे वो एक्टर्स हो, वीएफएक्स और या फिल्म का म्यूजिक। रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट पार्ट 1 की शूटिंग के खत्म होने के बाद अनाउंस होगी। बस आज के लिए इतना ही। आप एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए? आपके क्या ओपिनियंस है इस फिल्म को लेकर कमेंट्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एट द मूवीज़।